नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आप लोग के लाई हूँ ये चटपटा सा चाट। ये देखने में कितना कलरफुल, कितना यमी लग रहा है ना, और ये खाने में भी सचमुच बहुत टेस्टी है। और टेस्ट के साथ साथ अगर आप इसे घर में बनाएंगे ना, तो ये हेल्दी भी बन सकता है। और अपने अकॉर्डिंग आपको जो पसंद है ना, जो आपको अच्छा लगता है, अगर आपको अनार के दाने पसंद है तो उसमें अनार के दाने डालिए, चिप्स डालिए, अपने अकॉर्डिंग से हेल्दी बनाइए और अपने बच्चों को इसे सर्व कीजिए, वो इसे बहुत चाव से खाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे बनाना शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि हमने इसमें किस किस इंग्रेडिएंट का यूज़ किया है। तो देखिए, मैंने इसमें एक कप मटर ली है, इसे मैंने भिगो दिया था, और एक ही मैंने आलू लिया जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। एक प्याज को मैंने मीडियम साइज में फाइनली चॉप कर लिया है, एक टमाटर इसे भी फाइनली चॉप कर लिया है। इसके बाद मैंने दही ली है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, और इमली की चटनी ली है, और इसी के साथ मैंने जो चटनी होती है ना पुदीने की और आम की, वो मैंने चटनी का यूज़ किया है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि मटर को भिगोना है, तो इसे एक कप मटर मैंने लिया है और 4 से 5 घंटे के लिए इसे मैंने भिगो दिया था। उसके बाद से मैंने सारा पानी ड्रेन कर दिया था, तो ये कुछ इस तरीके से ना अंकुरित हो गए हैं। आप चाहें तो इसे डायरेक्टली 4 से 5 घंटे बाद भी इसे आप बना सकते हैं, वरना अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो भी आपके जो टेस्ट है ना चाट का या मटर का, बिल्कुल भी कुछ भी अप एंड डाउन नहीं होगा, इसका टेस्ट एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा। तो बस अब इसे आप प्रेशर कुकर में डालिए, और इसे डालने के बाद इसमें जो मैंने रफली चॉप किए थे ना पोटैटो, ये रॉ पोटैटो हैं, आप इसमें डाल दीजिए। भाई चाट के साथ अगर आलू हो तभी इसका मज़ा दुगना हो जाता है। तो बस इसे डालिए इसमें और इसके साथ पानी डाल दीजिए, और 1 छोटा चम्मच नमक डाल के इसे बंद कर दीजिए। और बंद करने के बाद धीमे आंच पे इस पर कम से कम 4 से 5 विसल आने तक पका ले। तो देखिए एग्जैक्टली हमें इसी तरीके से कुक करना है। देखिए मटर बहुत ज़्यादा गली भी नहीं है और बिल्कुल दिख भी रही है, और ये पक भी चुकी है, तो हमें इसे ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना अगर ये ओवर कुक हो जाएगी तो ये हमारे डाइजेशन को ख़राब भी कर सके, तो इसीलिए हमें इसे मटर को ओवर कुक नहीं करना है। अब हम इसे बनाएंगे, तो उसके लिए एक पैन लें, उसमें डालें 2 चम्मच सरसों का तेल, जीरा और हींग। इसी के साथ हम इसमें प्याज डाल देंगे, और प्याज को हमें बहुत देर तक कुक नहीं करना है, बस जब ये हल्का सा ट्रांसल्यूसेंट हो जाए ना तो हमें इतना ही से पकाना है। तो भाई जो ठेले पे चाट लगती है ना, वो किसी को भी देख के मुँह में पानी आ सकता है, और चाट तो आप जब मन चाहे तब खा सकते हैं। तो बस आज इसे आप घर पे बनाइए, और बिल्कुल ढाबे जैसा इसे, या बिल्कुल ठेले वाला जो स्वाद आता है ना, बिल्कुल इसी तरीके से आप इसका लुत्फ़ उठाइए। तो बस तरीके से फाइनली चॉप किए हुए टमाटर डाल के, जो भी मसाले आपके पास आपकी मसालेदानी में है ना, उन सब मसालों को इसमें डाल दीजिए। और डालने के बाद इसे आप जो टमाटर है ना वो हल्के से सॉफ्ट हो जाए, इतना हमें इसे कुक कर लेना है। बहुत ज़्यादा से बिल्कुल भी कुक नहीं करना है, क्योंकि अगर इसके चंक्स दिख भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, चलेगा। तो बस इसे 4 से 5 मिनट तक चला लीजिए, और चलाने के बाद मिर्च अपने स्वाद के अनुसार रख लीजिए और इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद टमाटर को सॉफ्ट हो जाए तो बस हमें इतना ही कुक करना है। अगर आप जानना चाहते हैं सफ़ेद मटर के फ़ायदे क्या हैं, तो मैंने अपनी वीडियो में इसे डाल रखा है, या मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो बस जब ये मसाले अच्छी तरीके से भुन जाए, जो हमने मटर और आलू को उबाला था ना, उसे इसमें डाल दीजिए, और डालने के बाद इसे मिक्स कर लीजिए। इसे मिक्स कर लीजिए ताकि जो टमाटर और प्याज है ना, और जो मसाले हैं, वो इसमें अच्छी तरीके से बिल्कुल रच जाए एकदम। तो बस इसे मिक्स करके और इसे ढक दीजिए, और उबाल आने तक ना इसे पका लीजिए। पानी इसमें अगर आपने एक बॉल पानी डाला है तो वो सफिशियंट होगा इसको उबाल लाने तक। अगर आपको लग रहा है कि पानी थोड़ा और डालना है तो आप इसे ऐड कर सकते हैं, बट थोड़ा सा जो कंसिस्टेंसी है ना, वो बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी बिल्कुल मत रखिएगा। थोड़ा सा इसमें अगर ग्रेवी रहेगा तो चाट का स्वाद है वो बहुत अच्छा आएगा। मटर अगर आप अपने वेट लॉस की जर्नी पे है ना, तो आप इस चाट को बना के या इस मटर को आप ज़रूर खाइए, ये आपकी हेल्प बहुत करेगा। तो बस तरीके से अब जो मटर है, ये चाट बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। अभी सिर्फ हमने इसका बेस तैयार किया है, अब हम इसकी करेंगे प्लेटिंग। तो चलिए थोड़ा सा इसे ठंडा होने दीजिए, और इसे धनिया पत्ती से इसे गार्निश कर लीजिए। गार्निश करके इसे मिक्स कर लीजिए, और थोड़ी देर के इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ग्रेवी इसमें सफिशियंट है, या अगर आप और डालना चाहते हैं ना, तो इसमें आप और ग्रेवी को इसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे मुझे लगता है इतना थिकनेस काफ़ी होगा। तो बस अब ये चाट बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे।
भाई प्लेटिंग अपने हिसाब से की जा सकती है, आप चाहे तो मेरे हिसाब से भी कर सकते हैं, पर आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। अब आपके पास अगर ठेले जैसा दोना है तो आप दोने में भी सर्व कर सकते हैं, अदरवाइज मैं एक प्लेट में सर्व कर रही हूँ। तो इस तरीके से चाट है ना, इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसे अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दीजिए। स्प्रेड करने से क्या होगा कि जो भी आप इंग्रेडिएंट इसके ऊपर डालेंगे ना, वो आसानी से इसमें स्प्रेड हो जाएंगे। तो बस अब इसे डालने के बाद, अगर आपको दही पसंद है चाट में तो आप दही डालिए। तो मैंने इसमें एक बड़ा चम्मच दही डाला है, और दही डालने के बाद इसे टैंगी फ्लेवर देने के लिए इसमें इमली की चटनी ज़रूर डालें। इमली की चटनी कैसे बनती है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, आप वहाँ जाके भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद पुदीना और आम की जो खट्टी वाली चटनी होती है ना, मैंने वो भी इसमें डाला है, तो आप इसे भी इसमें डाल सकते हैं। और इसके बाद जो बेसिक हमारे घर में चटनी बनती है धनिया और टमाटर मिर्च की ना, वो भी मैंने इसमें ऐड किया है। तो उसे भी आप पीस लीजिए और चटनी भर के जितना आपको मन करे ना, वैसे आप इसमें चटनी को इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद कुछ फाइनली जो रॉ प्याज होती है ना, वो प्याज मैंने कुछ डाली थी और थोड़ी सी मैंने 2 चम्मच बचा ली थी, इसे इसमें भी डाल दीजिए, क्योंकि कच्ची प्याज चाट में तो बहुत अच्छी लगती है। तो बस अब इसमें डालिए, और इसे डालने के बाद जो टमाटर है ना, उसे भी हमने छोटा छोटा फाइनली चॉप कर लिया है, और चॉप करने के बाद आप इसे भी इसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिए। तो देखिए इस तरीके से स्प्रेड हो चुकी है, और अभी से कितना अच्छा लग रहा है ना। वैसे जो चाट है ना, वो अपने हिसाब से आप बिल्कुल से हेल्दी बना सकते हो। देखिए मैं इसे हेल्दी बनाने के लिए इसमें मैंने ग्रेट किया हुआ गाजर भी डाल दिया है, क्योंकि बच्चे तो ऐसे खाएंगे नहीं, तो थोड़ा सा इसमें गाजर डाल दीजिए। आप चाहें तो बीटरूट भी इसमें डाल सकते हैं। और देखिए कुछ जो चिप्स आते हैं ना, पार्ले के चिप्स या फिर जो जो भी बच्चे चिप्स खाते हैं, वो चिप्स आप इसमें डाल दीजिए। और डालने के बाद कुछ मसाले जैसे भुने हुए जीरे का पाउडर, ये इसमें डाल दीजिए। और इसे डालने के बाद चाट मसाला, अब भाई चाट है तो चाट मसाले के बिना तो चाट बिल्कुल अधूरी ही है, तो इसमें थोड़ा चाट मसाला डालिए, और 1 पिंच के आसपास इसमें आप नमक डाल दीजिए। नमक डालने के बाद इसे फ्रेश धनिया पत्ती से गार्निश कीजिए, और थोड़ा सा इसकी प्लेटिंग को और इन्हांस करने के लिए इसमें थोड़ा सा हम इसमें दही डाल देंगे। अगर आपको दही पसंद है तो डालिए, पर इसके साथ चाट में आप दही डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और इसे डालने के बाद फाइनली हम इसमें आधा कटा हुआ नींबू डाल देंगे। भाई खट्टा मीठा फ्लेवर होगा तभी तो खाने में मज़ा आएगा। तो देखिए चटपटी सी ठेले वाली चाट बनके बिल्कुल तैयार है, और आप इसे घर में बनाइए एक स्नैक्स टाइम पे, या फिर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी आप इसे बना के खा सकते हैं। तो आपको मेरी ये चाट की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।